तो ध्यान देना बच्चों लोग, अभी तो जो भी हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो भी तो हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को स्टडी किए हैं, उसका एक बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होने वाला है आपकी केमिस्ट्री में। ठीक है, तो केमिस्ट्री में एक वर्ड जो बार बार आप सुनते हो सुनोगे, शील्डिंग। ठीक है, तो शील्डिंग वर्ड का बहुत बार यूज होने वाला है। तो शील्डिंग, शील्डिंग के लिए एक केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स आता है। टर्म क्या आता है, तो आप देखोगे एक टर्म होता है जेड इफेक्टिव आएगा बार बार। जेड इफेक्टिव क्या होता है हम लोग सीखेंगे, सबको सीखेंगे लोग। जेड इफेक्टिव एक वर्ड आएगा बार बार। ठीक है, और क्या आ सकता है, और आपके पास आ सकता है चलो एक होता है इसमें, इसमें एक आएगा आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट ये आ सकता है, एक होता है स्लैटर रूल। आप लोग पढ़ोगे बुक्स में, कहीं बुकलेट में आप स्टडी करोगे तो यहाँ देना कि बुक्स में वो लिखा रहेगा स्लैटर रूल, स्लैटर रूल। ठीक है, ये भी दिया होता है शील्डिंग के बारे में। एक होता है इसी में टर्म आता है स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। तो ये सब कुछ कुछ वर्ड होगा जो हम लोग सुनेंगे फ्यूचर में, बट मेरा फोकस अभी ये समझाना नहीं आपको, मतलब ये सब ये वर्ड है जो आपको आपको रटने में है, मतलब रटने के लिए फोकस करेगा। हम बोले पहले चीज को समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग जो सीखे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, उससे शील्डिंग को आप कैसे कैसे आप समझा सकते हो, मतलब शील्डिंग क्या था या क्या शील्डिंग होता है उसको पहले वो फील करो, बाद में हम लोग कैलकुलेशन करना तो हम लोग आ जाएगा। यानी जब स्लैटर रूल है या जेड इफेक्टिव क्या होता है वो हम लोग आराम से सीख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे पहले वो समझना है कि शील्डिंग का मतलब केमिस्ट्री में क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहले से बता चुके हैं कि शील्डिंग का मतलब क्या होता है, फोर्स का बैलेंसिंग। क्या होता है चलो, फोर्स का बैलेंसिंग। अब ध्यान देना, अगर बात करते हैं हम केमिस्ट्री में, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर कोई एटम होता है, ठीक, तो एटम का अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, लार्ज ड्रॉ करते हैं ताकि आपको चीज इजी समझ में आ जाए। तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस अंदर क्या है, प्रोटोन है। ठीक, तो प्रोटोन का एक नंबर दिखा हुआ है बट यहाँ बहुत सारा प्रोटोन हो सकता है, बहुत सारा प्रोटोन हो सकता है। ठीक, और बाहर में क्या होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बाहर में क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, तो इसको हम न्यूक्लियस बोल चुके हैं, आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, बाहर में क्या बच्चों लोग है, बाहर में बहुत सारा क्या है, बहुत सारा सेल्स, या इसको आप बोलते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, ऐसा होता है। और इस सेल्स ऑर्बिट में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोटॉन, वन प्रोटॉन और वन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इक्वल होता है, दोनों का चार्ज इक्वल होता है। यानी प्रोटॉन को आप प्लस क्यू बोल सकते हो, अगर प्लस क्यू बोलते हो तो इलेक्ट्रॉन को आप माइनस क्यू बोलोगे, इलेक्ट्रॉन को आप माइनस क्यू बोलोगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चार्ज का वैल्यू क्या होता है दोनों का, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू को मैं ले दे रहा हूँ 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज का। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है सेल के पास स्टैटिक नहीं है, सेल में मूव कर रहा है। यानी आपका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो सेंटर पर रखा हुआ है, प्रोटॉन स्टैटिक है, बट इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हर जगह अवेलेबल होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो हर जगह फैला रहेगा, यानी आपके ऑर्बिट में हर जगह वो स्प्रेड रहेगा। आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि अगर आप आपके पास सिंगल प्रोटॉन है, सिंगल प्रोटॉन है और सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अगर सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं तो सिंगल प्रोटॉन सेंटर पर रखा हुआ रहेगा न्यूक्लियस में, और सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, आपके ऑर्बिट में घूमेगा, आपका ऑर्बिट में घूमेगा। तो इस सिस्टम को आप ऐसा बोल सकते हो, इस सिस्टम को आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा क्या बोल सकते हो, जो सिस्टम है, सिस्टम को आप ऐसा बोल सकते हो क्या, कि आपका प्लस प्रोटॉन हो गया प्लस क्यू और आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस क्यू। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो हर जगह फैला हुआ है, यानी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलकर इस तरह का सिस्टम क्रिएट करेगा, इस तरह का सिस्टम क्रिएट करेगा। ठीक है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आप इस तरह से सोच सकते हो। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल लेते हैं, और पूछेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन पे, इस सिस्टम के कारण
इस सिस्टम के कारण कितना फोर्स लगेगा। तो यार जितना जितना बाहर है माइनस है उतना ही सेंटर प्लस क्यू रखा हुआ है, इस पर इस चिल्ड्रन पर नेट फोर्स कितना फील करेगा, तो नेट फोर्स इसको वो फील होगा जीरो, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में क्या हो कैंसिल कर जाएगा। तो अभी जो हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखे थे उसी को हम लोग अप्लाई करना सीख रहे हैं, उसी को अप्लाई करना सीख रहे हैं, ठीक है, इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं, इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल देख, आप लोग को लिथियम पता होगा, तो चीज को सिंपल रखते हुए आपसे बात करें, लिथियम का आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को कॉन्फिगरेशन प्रॉब्लम है, तो हम लोग सिंपल से बात करते हैं ना कि आप लोग पढ़े होंगे के सेल एल सेल कुछ तो पढ़े होंगे नाइन्थ क्लास में, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होगा, तो लिथियम के अंदर का जेड होता है थ्री, थ्री का मतलब इसमें कितना प्रोटॉन होगा, तो इसमें प्रोटॉन का नंबर क्या होगा थ्री होगा, और जो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा तीन, जितना प्रोटॉन होता है क्या इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसमें दो होगा के सेल में और एक होगा एल सेल में, इतना तो आपको पता होगा। अब इसको अगर हम सिस्टम बना के दिखाएं, तो इसको आप ऐसा सोच सकते हो, यहाँ पे तीन प्रोटॉन है सेंटर पर रखा हुआ, और इसका के सेल में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन के सेल में है, दो इलेक्ट्रॉन के सेल में है, और एल सेल में क्या होगा, आपके एल सेल में आपके दो इलेक्ट्रॉन एल सेल, दो इलेक्ट्रॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो एल सेल में, नेक्स्ट सेल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। और आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि जो बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, इन जो आपका आपका एल सेल में इलेक्ट्रॉन है, उसको कितना प्रोटॉन का फोर्स को फील कर पाएगा, तो ध्यान रहा, अगर इस पर फोर्स का वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका जो माइनस टू इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन को आप सेंटर, ये टू इलेक्ट्रॉन सेंटर पर रख सकते हो, क्योंकि आपका जो एल सेल का इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के साइड में है, एल सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर के साइड में है, तो उसके अंदर का जो भी स्फेरिकल की तरह सिस्टम होगा उसको आप सेंटर पर रख सकते हो, तो सब सेंटर पर रखो तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन को कैंसिल कर देगा, तो अल्टीमेटली कितना प्रोटॉन बचेगा, एक प्रोटॉन। तो यहाँ का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितने प्रोटॉन को फील करेगा, तो वो एक प्रोटॉन के चार्ज को फील करेगा, यानी फोर्स फील्ड कितना फील करेगा, तो एक प्रोटॉन को फील करने वाला है, ठीक। यानी यहाँ पे क्या होगा, इसका जो फोर्स फील्ड होगा ये वन प्रोटॉन का फोर्स को फील करेगा, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टर्म यूज करता हूँ जेड इफेक्टिव, बहुत जगह सुने हुए, इवन आप लोग टेंथ क्लास में भी सुने हुए जेड इफेक्टिव के बारे में। तो चलिए देखो, आउटर मोस्ट क्लाउड, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो जितने फोर्स को फील करता है, जितने फोर्स को फील करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं उसका जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो लिथियम का जेड कितना है, तो लिथियम का जेड है आपके पास थ्री, लिथियम का जेड क्या है, लिथियम का जो टर्म नंबर थ्री है, यानी इसका तीन प्रोटॉन है, जो आउटर मोस्ट क्लाउड है, वो आउटर मोस्ट क्लाउड कितने फोर्स कितने प्रोटॉन को फील करना चाहता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना कितना प्रोटॉन का फोर्स को फील करेगा, तो यहां दिख रहा होगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है लिथियम का, उसको कितना नेट फोर्स प्रोटॉन का फील हो रहा है, तो वन प्रोटॉन। तो आउटर मोस्ट क्लाउड अट्रैक्टेड बाय वन प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का नंबर तीन है, प्रोटॉन का नंबर तीन है, बट कितना फोर्स को से अट्रैक्ट होगा आउटर मोस्ट क्लाउड, तो वन प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है, यानी आपका जेड थ्री है, बट इफेक्टिव कितना जेड आउटर मोस्ट क्लाउड को अट्रैक्ट कर पा रहा है, इफेक्टिव जो होगा, तो जेड इफेक्टिव जो होगा, तो जेड इफेक्टिव इस केस में बात करें हम लोग, तो जेड इफेक्टिव यहाँ पे हो जाएगा वन, क्या हो जाएगा, चलो वन, तो जेड एक्चुअली थ्री है, बट जेड इफेक्टिव हो जाएगा वन, ठीक है। मतलब आपको मैं सिंप्लीफाई करके समझाना चाह रहा हूँ कि जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब जो एक्चुअल प्रोटॉन होता है उसको बोलते हैं, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आउटर मोस्ट क्लाउड को कितना नेट जेड, कितना नेट जो है प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जेड में से कुछ माइनस हुआ है, तो जेड में से क्या माइनस हुआ है, तो जेड में से जो माइनस का था उसको बोलते हैं सिग्मा। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला वाला पढ़ोगे फ्यूचर में, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है कि जेड माइनस सिग्मा, तो जेड इफेक्टिव समझ में आएगा आप लोग को, जेड समझ में आ चुका है, जेड तो बहुत सिंपल है प्रोटॉन का नंबर, तो जेड प्रोटॉन का नंबर होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है समझ में आ गया। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा को बोला गया स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सिग्मा को बोला जाता है क्या, चलो स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ये देखो सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक, यहाँ पे बताओ कितना माइनस किए हैं, तो यहाँ पे अगर जेड में वन था तो यहाँ माइनस क्या, टू माइनस हुआ है, यहाँ पे देखोगे जेड माइनस टू, तो यहाँ पे क्या था, हम लोग क्या किए, तो यहाँ पे तीन था आपके पास टोटल, आपके पास क्या था, टोटल तीन था,
तीन प्रोटॉन था, उसमें से माइनस क्या किए हैं, माइनस दो किए हैं, माइनस दो इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चूंकि चार्ज सेम होता है तो उसको हम लोग आराम से कर लेते हैं, तो दो प्रोटॉन का तो हम लोग माइनस किए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है, पर साइन उल्टा होता है, यानी दो प्रोटॉन माइनस हो रहा है उसके कारण, ठीक है, इक्वल टू क्या हो रहा है, वन प्रोटॉन बच रहा है सिस्टम में, यानी वन बच रहा है, जो दो है दो हो जाएगा सिग्मा, तो इस केस का सिग्मा क्या हो जाएगा, इस केस का सिग्मा दो हो जाएगा, तो ये जो है इसमें ये पूरा का पूरा एक्यूरेट अभी तक नहीं है, आपको मैं सिंप्लीफाइड वे में सारा चीज समझा रहा हूँ, इसमें आंसर फ्यूचर में डिफर करेगा, मतलब एक्चुअली कैसे निकालते हैं आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है, अभी क्या आपको समझ में आना चाहिए कि जेड क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, तो ये आपको समझ आता है, सिग्मा इसके लिए क्या हो जाएगा, चलो तो सिग्मा यहाँ टू हो जाएगा, सिंपल वे बात करें हम लोग, ठीक है, तो सिंपल वे बात करेंगे, तो जेड इफेक्टिव हो गया, समझ में आ गया, वन हो गया इस केस के लिए, लिथियम के लिए, जेड कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और सिग्मा यानी जो स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट है, जितना माइनस कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, तो हो जाएगा आपका टू हो जाएगा, हो जाएगा आपका टू हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड, जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा, ठीक है, तो इसको हम लोग एक्चुअल जो है, एक्चुअल जो कैलकुलेशन होता है, एक्चुअल कैलकुलेशन ठीक है, एक्चुअल कैलकुलेशन का बात करते हैं हम लोग, ध्यान देना, एक्चुअल कैलकुलेशन जो होता है जेड इफेक्टिव का और सिग्मा का, उसको निकालते हैं हम लोग सेटर रूल से, कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव इन सिग्मा, ठीक है, इसके लिए हम लोग फॉलो करेंगे स्लैटर रूल, स्लैटर रूल, ठीक है, तो वहां पे बताएंगे कि आंसर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो अभी तो आपको मैं सिंपल वे में समझा दिया कि जेड इफेक्टिव क्या होता है और सिग्मा क्या होता है, ठीक है, बट एक्चुअली जो होगा इससे आप लोग सीखोगे, ठीक है, इसको हम लोग लास्ट में लेंगे, इस टॉपिक को हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता कॉम्पिटिशन में, ठीक है, तो समझने के लिए जरूरी है, बट इससे आपका क्वेश्चन आने का चांसेस उतना ज्यादा हाई नहीं होता है, तो इसको लास्ट में लोग कवर करेंगे, ठीक, तो इतना प्रोसेस में आ चुका है कि आखिर क्या होने वाला है, अब देखो, अब थोड़ा सा इसको और हम लोग डीप में चलते हैं, डीप में क्या चलते हैं, तो डीप में चलेंगे तो ध्यान देना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपके सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ जाके ऑक्यूपाई करता है, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेल के अंदर जाता है, आपके सेल के अंदर क्या होता है, सबसेल होता है, और सबसेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है, क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है, तो अब अगर हम बात करते हैं एटम के अंदर, तो एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर एटम का जो स्पेस होता है, स्पेस ऑफ जो एटम होता है उसको डिवाइड किया गया, डिवाइड किस में किया गया बच्चों लोग, तो सेल्स में डिवाइड किया गया है, जो सेल्स का स्पेस है उसको फर्दर डिवाइड किया गया, किसमें, सबसेल्स में डिवाइड किया गया है, ठीक, और जो सबसेल का स्पेस होता है उसको फर्दर किसमें डिवाइड किया गया, चलो उसको डिवाइड किया गया है ऑर्बिटल्स में, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऑक्यूपाई कहाँ करता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऑक्यूपाई करता है ऑर्बिटल्स को, कहाँ होता है, ऑर्बिटल्स को, ठीक है, तो एक्चुअली जो आपका पास इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कहाँ रहता है, ऑर्बिटल्स में रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपका ऑक्यूपाई करेगा कहाँ पे, चलो तो ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करेगा, ठीक, अब जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का भी टाइप होता है, ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, तो ऑर्बिटल टाइप ऑफ ऑर्बिटल जो आप लोग पढ़ते हो जनरली वो होता है बेसिकली चार टाइप का, ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स बहुत सारा टाइप का हो सकता है, तो इसका अगर एक्चुअली बोले तो होगा इनफाइनाइट टाइप का, अगर बोलेंगे ऑर्बिटल का टाइप कितना हो सकता है, तो हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट टाइप का पॉसिबल है, ठीक है, बट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो मेरे लिए पढ़ना है, इसमें इनफाइनाइट टाइप का इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है आपके पास ऑर्बिटल का टाइप में, लेकिन हम लोग को उतना डीप में नहीं जाना होता, क्योंकि मेरे पास कितना एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड हुआ अपने पास, अपने पास चूंकि टिल 118 एलिमेंट तक, यानी जितना एलिमेंट अपने पीरियड टेबल में है, तो वी हैव फोर ऑर्बिटल टाइप उसके लिए, और ऐसे अगर पूछा जाए कितना ऑर्बिटल टाइप पॉसिबल है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी होगा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है, लेकिन चूंकि हमारा अभी तक स्टडी कहाँ तक फोकस है, 118 एलिमेंट तक पॉसिबल है, तो यहाँ तक में आपका जो टाइप होगा चार ही होगा, अगर मान लेते कि मेरे पास एलिमेंट अगर 1000 हो जाए, एलिमेंट अगर 2000 हो जाए, एलिमेंट अगर 5000 हो जाए,
न्यायालय में डिस्कवर होते चला जाएगा तो क्या होगा, हर एलिमेंट का डिस्कवरी के साथ साथ आपका ऑर्बिटल का टाइप भी बढ़ते चला जाएगा। लेकिन मेरा अभी मेजर फोकस क्या होता है कि जितना एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है उतने मेरा फोकस करना है, तो उतने मेरे बारे फोकस करना है तो आपका जो ऑर्बिटल टाइप होगा वो चार होगा। चार क्या क्या होगा ध्यान देना, एक को बोलते हैं एस, एस नाम से सुनते हैं एस ऑर्बिटल, स्मॉल एस, कैपिटल एस नहीं होगा यहाँ पे, स्मॉल एस है, स्मॉल एस, ठीक है, स्मॉल एस कैपिटल एस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, चलो यहाँ पे स्मॉल एस होगा, ठीक है, स्मॉल मतलब एस ऑर्बिटल हो गया, हो गया आपका एस ऑर्बिटल, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली आपके पास होता है पी ऑर्बिटल, पी भी स्मॉल है, पी ऑर्बिटल, सिमिलरली क्या होता है चलो आपके पास होता है डी ऑर्बिटल, डी सबसेल का ऑर्बिटल तो बोलते हैं डी ऑर्बिटल, सिमिलरली बात क्या करते हैं तो सिमिलरली आपके पास होता है एफ ऑर्बिटल, क्या होता है एफ ऑर्बिटल, ठीक। तो आपके पास चार टाइप का जो ऑर्बिटल वो पढ़ना हो बता दिए, एस पी डी और एफ, ठीक। अभी जो ऑर्बिटल टाइप होता है तो ध्यान देना, इस टाइप का कुछ हमको शेप याद रखना है, हमको शेप ऑफ ऑर्बिटल पता होना चाहिए, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, तो ध्यान देना एस के अंदर एस एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना उसका शेप कुछ ऐसा होता है, उसका होता है स्फेरिकल टाइप का, ऐसा कुछ शेप होगा, ठीक। तो एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल। अगर हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल का, हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल का, तो पी ऑर्बिटल का जो शेप होगा ध्यान देना, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल कैसा होता है बच्चों, तो एक डंबल शेप का होता है, कैसा होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक कैसा होता है डंबल शेप का होता है, इस तरीके का, ठीक। अगर बोलते हैं डी सबसेल का बात करते हैं, सॉरी डी ऑर्बिटल का बात करते हैं, डी ऑर्बिटल का जो जनरली शेप होता है वो डबल डबल शेप का होता है, वो ऐसा कुछ शेप का होगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ शेप का होता है डी ऑर्बिटल। बात करते हैं एफ ऑर्बिटल का, एफ ऑर्बिटल का बात करोगे तो एफ ऑर्बिटल का शेप एक्चुअली बनाना पॉसिबल नहीं है टू डी में, एफ ऑर्बिटल का शेप छोड़ दो अभी के लिए, आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो एस है, पी है, डी है। आप तीनों में, इन चारों में कुछ फोकस करना कि एस ऑर्बिटल आपका सेंटर जो है, सेंटर यहाँ पे सेंटर है मान लेते हैं, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, तो जो सेंटर है, सेंटर को क्या है, सेंटर को देखोगे तो एस जो ऑर्बिटल है वो सेंटर को फुली इनक्लोज करता है, फुली इनक्लोज करता है, ठीक है। जो पी ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा ओपनिंग छोड़ता है, सेंटर के पास ओपनिंग रहता है, डी ऑर्बिटल और ज्यादा ओपनिंग छोड़ता है, जितना अगर ओपनिंग छोड़ेगा सेंटर को ना, इन सेंटर को जितना ओपन करेगा उतना बोलते हैं कि आपका ऑर्बिटल डिफ्यूज हो रहा है। जैसे से आप एस से पी की तरफ मूव करते हो और पी से डी की तरफ मूव करते हो तो आपका जो ऑर्बिटल है, आपका ऑर्बिटल डिफ्यूजन स्टार्ट होता है। तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब ओपनिंग छोड़ना, डिफ्यूजन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल डिक्रीजेस, तो हम ऐसा बोलते हैं कि डी ऑर्बिटल डिफ्यूज है, S और P का देखो S फुल्ली क्या है, फुल्ली उस सेंटर को ब्लॉक किया हुआ है, P है ऑलमोस्ट ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि P का जो शेप है थोड़ा सा और ज्यादा ऐसा होता है जिसको मैं सही से ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ। तो हम लोग का जो डिफ्यूजन जो मेनली हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो यहाँ से वर्ड यूज करते हैं, तो डी ऑर्बिटल को बोलते हैं लोग डी ऑर्बिटल इज डिफ्यूज्ड मतलब सेंटर को ब्लॉक नहीं कर पा रहा है। एफ ऑर्बिटल इज मोर डिफ्यूज, और ज्यादा डिफ्यूज होगा, इसमें और ज्यादा ओपनिंग क्रिएट हो जाएगा, तो मोर डिफ्यूज। अब इसका वर्ड का मतलब क्या होता है समझा, आपको समझ में आ चुका है कि एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल का शेप डबल टाइप का, डी ऑर्बिटल क्या होता है डबल डबल टाइप का, एफ ऑर्बिटल क्या है और ज्यादा खुलेगा। सिंपल सा बात ये बोल रहे हैं, जैसे से आप एस के बाद पी, पी के बाद डी और एफ मूव करते हो तो आपका ऑर्बिटल डिफ्यूज होना स्टार्ट होता है। डिफ्यूज का मतलब होता है कि सेंटर को उतना ब्लॉक आपका नहीं कर पा रहा सिस्टम, सेंटर को उतना ब्लॉक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान दोगे, अगर यहाँ तक आप लोग सबको क्लियर हो रहा है, इसमें ऐड क्या करना है, चलो इसमें ऐड क्या करना है, अब ये पूरा डिस्कशन का मोटो क्या है तो ध्यान देना, तो बात करते हैं हम लोग शील्डिंग के बारे में, बात करते हैं शील्डिंग, शील्डिंग ध्यान देना। अब केमिस्ट्री में हम आते हैं,
से सिलिंग पे बात कर रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि एस ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं, एस ऑर्बिटल का, तो आप लोगों को पता होगा कि आपका सिस्टम क्या होता है, आपका एटम होता है इलेक्ट्रो न्यूट्रल, आपका जो एटम होता है, आपका एटम क्या होता है, एटम, एटम्स आर न्यूट्रल। इसका मतलब क्या है, जितना उसमें न्यूट्रॉन हो, जितना उसमें प्रोटॉन हो होता है, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, इक्वल होता है, ठीक है, नंबर्स जो होगा, नंबर्स क्या होता है बच्चों, तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है, ताकि नेट चार्ज पर क्या होता है, नेट चार्ज जीरो होता है, नेट चार्ज जीरो होता है। अगर बात करते हम लोग एस ऑर्बिटल का, बात करते हैं एस ऑर्बिटल का, तो ध्यान देना कि एस ऑर्बिटल में, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जितना सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही सिस्टम में क्या होगा, प्रोटॉन जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, मतलब क्या होगा, प्रोटॉन पांच होगा तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होना चाहिए, पांच होना चाहिए, प्रोटॉन दस होगा तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होना चाहिए, दस होना चाहिए, ठीक है। तो अब समझ जाते हैं कि अगर एस ऑर्बिटल का हम बात कर रहे हैं, तो एस ऑर्बिटल में अगर मान लेते हैं कि एस ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं, तो फोकस करके एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। तो बोलना क्या चाह रहे हैं आपको कि एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन डालोगे बाहर में, तो उस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए आपको सेंटर में क्या डालना पड़ेगा, प्रोटॉन डालना पड़ेगा। यानी हम सिर्फ बात करें एस ऑर्बिटल का, हम बात करें एस ऑर्बिटल का सिर्फ बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलना चाहते हैं आपको कि अगर एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, उसको बैलेंस करने के लिए सेंटर में यानी न्यूक्लियस के पास एक प्रोटॉन डालना हम लोग को कंपल्सरी है, तभी मेरे पास सिस्टम बैलेंस रहेगा ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन आप एस में डालोगे उतना ही आपको प्रोटॉन डालना पड़ेगा, कहाँ पे, न्यूक्लियस में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आप दिखेगा आपको, ये देखोगे एस का जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन सिस्टम में जाएगा। तो ध्यान देना, चूंकि एस का शेप क्या होता है, एस ऑर्बिटल का शेप परफेक्टली स्फेरिकल होता है, एस ऑर्बिटल आर परफेक्टली क्या है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या, आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर स्फेरिकल है, इसका मतलब इस सिस्टम जो भी एस में इलेक्ट्रॉन जाएगा और जो आपका इसका प्रोटॉन डाला सेंटर पे, तो सिस्टम प्लस क्यू और माइनस क्यू का के जैसा सिस्टम क्रिएट करेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू जैसा सिस्टम क्रिएट करेगा। इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको कि एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर हम बात बाहर, अगर कोई बात करते हैं बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन है, बाहर में इलेक्ट्रॉन है, उस पर क्या फोर्स फील करेगा, ध्यान देना। हम क्या बोल रहे हैं कि एस का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने प्रोटॉन को, बाकी देखो सिस्टम में प्रोटॉन बहुत सारा हो सकता है, तो हमको सिस्टम के बाकी प्रोटॉन से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, तो हमको मतलब है एस के प्रोटॉन से। यानी एस का प्रोटॉन का मतलब क्या है, जो एस के इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग सिस्टम में गया था, अगर हम बात करते हैं एस का प्रोटॉन, इसका मतलब वो उस प्रोटॉन से मेरा कोरिलेशन है जो कि एस के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए सिस्टम में गया है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एस का इलेक्ट्रॉन अपने करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन को बैलेंस कर लेगा, सिंपल। यानी हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि एस का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने प्रोटॉन को बैलेंस कर लेगा, अपने प्रोटॉन को बैलेंस कर लेगा। तो जब भी हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल का, ध्यान देना, तो एस ऑर्बिटल एक हम वर्ड यूज कर रहे हैं, एस ऑर्बिटल है परफेक्ट शील्डिंग। इसका मतलब क्या है, जब बात करें परफेक्ट शील्डिंग का, इसका मतलब क्या है कि एस का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने प्रोटॉन को बैलेंस कर लेता है, ठीक है। तो एस इलेक्ट्रॉन बैलेंस एस इलेक्ट्रॉन बैलेंस फोर्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन फोर्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन। तो आप ऐसा सोच सकते हो, इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन। अब ध्यान देना, ये चीजों को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चीज है बहुत सिंप्लीफाई में मैं आपको समझा रहा हूँ, तो एक्चुअल रिजल्ट कुछ अलग हो सकता है कैलकुलेशन करने पे, बट आपको पहले समझ में आना चाहिए कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा थोड़ा डेविएट करेगा मेरे फ्यूचर में, लेकिन क्या है कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सिंप्लीफाई में मैं समझा रहा हूँ आपको, आपको पर समझना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि एस का इलेक्ट्रॉन होगा अपने प्रोटॉन को बैलेंस कर लेगा, किसके लिए, बाहर के चार्ज के लिए बैलेंस कर सकता है, ठीक है। सिंपली बात करेंगे पी का, सिंपली बात करते हैं पी का, तो सिलिंग फिट में हम लोग बात करते हैं पी का, तो ध्यान देना पी का शेप कैसा होता है बच्चे लोग, तो पी का शेप होता है डबल टाइप का, इस टाइप का, ठीक है, ऐसा कुछ शेप होता है इसका, इस तरह का। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि पी का शेप चूंकि डिफ्यूज है, यहाँ पे
एक सेकेंड यार, ठीक है, तो ये आउटर आउटर पेरिफेरी को बस एज्यूम करोगे आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि सर सेप थोड़ा सा उतना उतना पैक करके नहीं रखा हुआ है, तो क्या है पीओ पी ऑर्बिटल में अगर तुम इलेक्ट्रॉन डालोगे ना, पी ऑर्बिटल तो आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इसका सेंटर पे प्रोटॉन जाएगा, प्रोटॉन कहाँ जाएगा, सेंटर पे जाएगा, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन को बैलेंस नहीं कर पाता परफेक्टली, ठीक है। प्रोटॉन को बैलेंस नहीं, यानी बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होगा, कोई बाहर का इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उस पर क्या होता है, जो प्रोटॉन है उसका फोर्स एक्सीड करता है, यानी प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। जनरली देखा गया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिपल्सन से थोड़ा आगे रह जाता है और रिपल्सन से थोड़ा आगे इंक्रीज कर जाएगा, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि पी का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने प्रोटॉन के फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाता है। लेकिन हम लोग चूंकि इसके कारण कोई केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं होता है, तो हम लोग क्या मानते हैं ना कि पी इलेक्ट्रॉन, हम लोग क्या जूम करते हैं कि पी इलेक्ट्रॉन नियरली बैलेंसेस इट्स प्रोटॉन, ये सोच सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया SOP का बात। ज्यादा इंटरेस्टिंग आता है डी और एफ में, ध्यान देना डी का सेप ओपन, बहुत ज्यादा ओपन होता है, तो डी का सेप बहुत ओपन होगा तो इसका। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर डबल देते डी में इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ होगा और प्रोटॉन डालो तो कहाँ, प्रोटॉन जाएगा सेंटर पे, मान लेते प्रोटॉन यहाँ पे है। ऐसा देखा गया है जो डी का इलेक्ट्रॉन होगा, और डी का जो दूसरे कारण जो कोरस्पॉन्डिंग प्रोटॉन गैस सिस्टम है, तो बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन एक लेते हैं हम, बाहर का इलेक्ट्रॉन हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से रिपल कर रहा है। तो ऐसा देखा गया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्रोटॉन का, वो इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से काफी ज्यादा हो जाता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो डी का इलेक्ट्रॉन है वो अपने प्रोटॉन को, यानी उस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के जो प्रोटॉन सिस्टम में गया है उसके फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाता है, तो उसका जो डी का प्रोटॉन है, यानी जो डी के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके जो प्रोटॉन सिस्टम में गया था उसका फोर्स बाहर के इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर सकता है, बाहर के क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऐसा बोलते हैं हम लोग कि डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन हैव पुअर शील्डिंग मतलब ये फोर्स बैलेंस नहीं कर पा रहा है, यानी अपने प्रोटॉन के फोर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि इसका जो प्रोटॉन है बाहर का जो क्लाउड होगा उसको अट्रैक्ट करके खींच सकता है अपने पास, तो डी इलेक्ट्रॉन हैव पुअर शील्डिंग, डी का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने प्रोटॉन, यानी जो डी के इलेक्ट्रॉन के कारण जो प्रोटॉन सिस्टम में गया है उसको बैलेंस नहीं कर पाता, तो डी इलेक्ट्रॉन हैव पुअर शील्डिंग, इसका मतलब ये समझोगे, यानी आपको ये सोचना है कि अगर बाहर में कुछ क्लाउड होगा, और डी का इलेक्ट्रॉन होगा बीच में, तो डी का इलेक्ट्रॉन के कारण डी का प्रोटॉन भी गया होगा, तो डी का जो प्रोटॉन सिस्टम में गया होगा उसके फोर्स को डी का जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। मान लेते हैं कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो डी के, तो उसके कारण आपके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन भी ऐड हुआ होगा, जो डी का तो 10 इलेक्ट्रॉन है वो अपने कोरस्पॉन्डिंग 10 प्रोटॉन के फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो बैलेंस नहीं कर पाएगा तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, चलो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उस पे जो प्रोटॉन का फोर्स फील्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन का फोर्स फील्ड से एक्सीड कर जाता है और उसको नेट क्या फील होगा, आउटर क्लाउड नेट अट्रैक्ट होगा और सिस्टम में एक अट्रैक्शन फील होता है, आपको सिंपल याद रखना है कि डी का इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन के फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाता है। इम्पैक्ट क्या होता है, एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आउटर मोस्ट क्लाउड, यानी बाहर का जो क्लाउड है वो नेट एक इनवर्ड अट्रैक्शन फील करता है। नेट एक क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट प्रोटॉन का फोर्स फील्ड है वो डोमिनेट करेगा और बाहर का क्लाउड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बाहर के क्लाउड को, यानी डी के सब डी ऑर्बिटल के बाद जो क्लाउड होगा उसको नेट एक अट्रैक्शन फील होगा, ये हो जाएगा आपका डी का सबसेल के बारे में, डी ऑर्बिटल के बारे में, डी ऑर्बिटल इन डी सबसेल का जो ऑर्बिटल होता है ऐसे काम करता है। सिमिलरली तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे आप एस से पी मूव किए, पी से डी मूव किए, तो क्या हो रहा है कि आपका जो बैलेंसिंग पावर है ऑर्बिटल का, यानी बैलेंसिंग पावर है जो इलेक्ट्रॉन्स का जो उस ऑर्बिटल पर रह रहा है उसका पावर डिक्रीज करते जा रहा है, ड्रास्टिकली घटता जाता है,
और ये और ज्यादा घटेगा कब, जब एफ में आएगा। एफ का सेप ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं हमारे लिए, तो एफ ऑर्बिटल का सेप ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ ऑर्बिटल का जो सेप होता है वो बहुत डिफ्यूज होता है, वेरी डिफ्यूज। इसका इम्पैक्ट क्या समझोगे कि अगर एफ ऑर्बिटल का कुछ सेप होगा भी, तो उस केस में अगर मान लेते हैं इसको एफ, अगर मान लेते हैं कि कुछ सेप है भी, तो क्या होगा इसमें जो एफ के कारण जो इलेक्ट्रॉन होगा, एफ का इलेक्ट्रॉन के कारण जो प्रोटॉन आप न्यूक्लियस में डालोगे, तो दोनों सिस्टम जो बनाएगा उस सिस्टम के कारण जो बाहर जो आउटरमोस्ट क्लाउड है, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा होगा थन रिपल्सन, यानी एफ का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने प्रोटॉन को सेल नहीं कर पाता है। एफ ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका सेल्डिंग होगा वेरी पुअर, इलेक्ट्रॉन्स है वेरी पुअर सेल्डिंग, वेरी पुअर सेल्डिंग। इसका मतलब क्या है बच्चों लोग, कि अपने जो एफ का इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने प्रोटॉन के फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाता है। एफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट एबल टू बैलेंस फोर्स फील्ड ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन। ठीक है, आपको अब देखो इतना सारे जो डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो सारा देखो सारा चीज को समझाने के लिए बोला गया है आपको, बस अभी के लिए इतना आपको समझ में आया कि कब अट्रैक्शन कब रिपल्शन है, कैसा बैलेंस हो रहा चीज, तो आपको दिमाग इतना सेट करना है कि डी और एफ जो है, डी और एफ के कारण क्या होता है, डी का इलेक्ट्रॉन और एफ का इलेक्ट्रॉन का सेल्डिंग पुअर होता है। इसका मतलब क्या है कि डी में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण जो प्रोटॉन सिस्टम में गया है, उसके कारण जो प्रोटॉन सिस्टम में गया होगा उसके फोर्स को डी का क्लाउड बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या पड़ेगा, बाहर का जो क्लाउड होगा, जो आउटर मोस्ट क्लाउड होगा, उसको एक नेट इनवर्ड फोर्स फील होगा, एफ में और ज्यादा फील होगा एफ ऑर्बिटल में ये और ज्यादा फील होने वाला है। ठीक है, तो ये रहेगा सारा का सारा एप्लीकेशन शील्डिंग का, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, और शील्डिंग के बारे में और हम बेटर पढ़ेंगे जब पढ़ाएंगे आपको स्लैटर रूल, लेकिन आपको पहले फील करना चाहिए कि हाँ क्या होने वाला चीज, फिर जब हम रूल पढ़ाएंगे तो उसमें आपको रूल क्या होता है, रूल एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला से बेटर हम लोग को कॉन्सेप्ट समझाना है क्या क्या हो रहा है, ताकि आप उस चीज को आप इजीली उसको अप्लाई कर पाओ। ठीक है।